Hello students, welcome to our channel. In today's class, we will discuss about the type of connective tissue that are found in our body. The first topic that we have studied is what is connective tissue. Connective tissue. वो टिश्यू जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. एक मैट्रिक्स के द्वारा ये जो मैट्रिक्स है इसमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है. और एक मैट्रिक्स क्या होती है, भरी हुई होती है, जो कि आपस में क्या करती है, कनेक्ट करने का काम करती है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे द टिश्यू दैट हेल्प इन द कनेक्टिविटी ऑफ टू ऑर्गन्स ईच अदर. इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू. दिस टिश्यू हैव, ये जो टिश्यू है, लूजली पैक्ड हाई इंटरमोलिक्यूलर स्पेस एंड एम्बेडेड इनटू अ मैट्रिक्स. These tissues fluid are dense and rigid. इन टिश्यू के जो फ्लूड हैं वो क्या होते हैं, डेंस और रिजिड होते हैं. ओके एंड कैन बी कनेक्ट बाय मैट्रिक्स. और किससे जुड़े हुए होते हैं, मैट्रिक्स से आपस में जुड़े हुए होते हैं. ओके नेक्स्ट इसमें टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. सबसे पहले इसमें बात करनी है ब्लड. ओके तो ब्लड इज ए लिक्विड दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स एंड अनदर सब्सटेंस इन अवर बॉडी. तो हमें क्या क्या पता चला, हमें पता चला यहाँ पर कि वो टिश्यू जो कनेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं ऑर्गन्स को क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है. और मैट्रिक्स से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं. उसमें सबसे पहले ब्लड है. ब्लड वो लिक्विड है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है हार्मोन्स की और दूसरे सब्सटेंसेस की अब हमारी बॉडी में. ओके नेक्स्ट लिखते हैं इसमें ब्लड कंसिस्ट ऑफ, ब्लड कंसिस्ट करता है प्लाज्मा, सेकंड आरबीसी जिसे आप कहते हो, रेड ब्लड सेल्स, थर्ड डब्ल्यूबीसी जिसे आप क्या कहोगे, वाइट ब्लड सेल्स. अब यहां पर सबसे पहली बात आती है प्लाज्मा.
प्लाज्मा इज ए येलोइश लिक्विड दैट कंसिस्ट ऑफ सॉल्ट प्रोटीन्स एंड अनादर एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक येलोइश लिक्विड है जो कि कंसिस्ट करता है सॉल्ट प्रोटीन दूसरे एसेंशियल कंपोनेंट्स हमारी बॉडी में है। सेकंड है WBC वाइट ब्लड सेल्स। दीज सेल्स प्रोवाइड अस इम्यूनिटी। क्या करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इफ अब बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर्स इन आवर बॉडी इट किल देम। क्या लिखोगे? दीज सेल्स किल इट और स्टॉप देयर एक्टिविटी एंड स्टोर एज ए मेमोरी सेल एंड द डिसीज विल नेवर बी कॉस्ट इन अवर बॉडी। तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि ये जो सेल्स हैं क्या करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया एंटर करता है तो क्या कहते हैं? उसे किल कर देते हैं और मेमोरी सेल के रूप में स्टोर कर लेते हैं। इसलिए हम इसका वैक्सीनाइजेशन जो करते हैं छोटे बच्चों का, उसमें भी क्या करते हैं? इसका यूज़ होता है। वहाँ पर जो है कोई वीक स्टेज बैक्टीरिया डाल दिया जाता है, बच्चे की बॉडी में इमर्ज कर दिया जाता है और वो अपनी एक्टिविटी करता है। वाइट ब्लड सेल्स जो इसे ईजीली किल कर देते हैं और उसके बाद जो वो वाइट ब्लड सेल है वो किसमें अपना जो है इम्यून सिस्टम क्या कर लेता है? स्ट्रॉन्ग बना लेता है और वो बीमारी कभी भी नहीं होती। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें WBC इज नोन एज इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो ये क्या कहलाता है? हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है थर्ड RBC रेड ब्लड सेल्स। इसमें लिखोगे दीज सेल्स कंसिस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन दैट इज रेड इन कलर, या फिर ऐसे लिखो ड्यू टू विच इट इज रेड इन कलर, जिसकी वजह से क्या होता है? ये कलर में रेड होता है। आगे लिख सकते हो दीज सेल्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन
ऑफ हार्मोन्स इन ए केमिकल फॉर्म की फॉर्म में जो है क्या करता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और इसमें क्या हो सकता है, और हो सकता है नेक्स्ट सब्सटेंस वाटर एटसेट्रा। ये क्या करता है, मेनली ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन अवर बॉडी। तो ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है, किसमें, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि हमारी बॉडी में क्या होता है, जो कि हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है हार्ट से ह्यूमन ऑर्गन तक, और ह्यूमन ऑर्गन से जो है अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक जो है ये क्या होता है, जाता है। जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके द्वारा होता है, आरबीसी के द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये था कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट टाइप, जिसे आपने कहा ब्लड। अब सेकंड है बोन। दिस टिश्यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। दिस टिश्यूज कैन नॉट बी बेंड, ये क्या है, मोड़े नहीं जा सकते। ओके, बहुत स्ट्रांग होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, बेंड नहीं किए जा सकते। आगे आप क्या लिख सकते हो, आगे लिख सकते हो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क टू अवर ऑर्गन। हमारे ऑर्गन को क्या करते हैं, फ्रेमवर्क देते हैं। नेक्स्ट इसमें लिख सकते हो इट सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी के जो मेन ऑर्गन है उनको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका थर्ड टाइप। इसमें थर्ड टाइप नहीं है, इसको आगे ही बढ़ाओगे। टू बॉन्स कैन बी कनेक्टेड बाय अ कनेक्टिव बाय अ मैट्रिक्स ऑफ ए कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। तो जो कनेक्ट, दो बॉन है वो कनेक्ट करे जा सकते हैं एक मैट्रिक्स के द्वारा, कनेक्टिव टिश्यू की, जिसे हम क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर इट इज वेरी फ्लेक्सिबल हैविंग सो मच स्ट्रेंथ, और क्या होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका टेंडन।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेंडन कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करते हैं, द टिश्यू दैट कनेक्ट द बोन्स एंड मसल्स इन अवर बॉडी इज कॉल्ड टेंडन. इट इज ए फाइबरस टिश्यू. ये क्या है? फाइबरस टिश्यू है. इट इज या इट हैज वेरी मच स्ट्रेंथ बट लेस फ्लेक्सिबल. इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है. लेकिन फ्लेक्सिबल क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं. क्या कहलाते हैं? टेंडन कहलाते हैं. नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ एरोलर टिश्यू. एरोलर टिश्यू को क्या लिख सकते हो? द टिश्यू दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. तो क्या कह रहा है? ये जो टिश्यू हैं प्रेजेंट होते हैं स्किन और मसल्स के बीच में, ब्लड वेसल्स और नर्व्स के अराउंड में. ओके इसमें और आगे लिख सकते हैं. यहाँ पर लिखोगे इट फील्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन. ये क्या करते हैं? जो ऑर्गन के अंदर स्पेस है उसे भरते हैं एंड सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी. हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को भी क्या करते हैं? ये सपोर्ट करते हैं. ओके ये क्या है? हमारे एरोलर टिश्यू है. फाइन अब नेक्स्ट देखते हैं. इसमें नेक्स्ट क्या है? यहां पर लिखोगे नेक्स्ट है आपका कार्टिलेज. दिस टिश्यू आर वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होते हैं, हैविंग हाई इंटरसेलुलर स्पेस. क्या होता है इसमें? बहुत ज़्यादा स्पेस होता है एंड अ मैट्रिक्स एम्बेडेड इनटू इट. मैट्रिक्स क्या होती है? इसमें एम्बेडेड होती है. दिस टिश्यू कैन बी बेंट इजीली. ये जो टिश्यू है आसानी से क्या किए जा सकते हैं? मोड़े जा सकते हैं, बेंट किए जा सकते हैं. ओके दिस आर प्रेजेंट इन अवर ईयर नोज ट्रैकिया एंड लैरिंक्स. इनमें क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं. ओके नेक्स्ट है आपका लास्ट टाइप. लास्ट टाइप है आपका लैरिंक्स के बाद एडिपोज टिश्यू. द फोर फैट स्टोरिंग टिश्यू दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्किन एंड ऑर्गन्स इज कॉल्ड एडिपोज टिश्यू. क्या कहलाता है? एडिपोज टिश्यू कहलाता है. ओके तो दीज आर द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ओके विद दिस आई एम फिनिशिंग टुडे क्लास. इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. ओके फाइन.